नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर थुरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पैरालिसिस के पेशेंट की मसल्स को कैसे ठीक रखा जाए, मसाज से, मालिश से, कैसे उसकी मसल्स में जो पेन हो रहा है उसको आराम दे सकते हैं हम, कैसे एक पेशेंट जो एक्सरसाइज करने के बाद थक जाता है, मसल्स थक जाती हैं, कैसे उनको हम आराम दे सकते हैं हम मसाज से, कैसे एक पेशेंट की जो स्टिफनेस है मसल्स के अंदर उसको रिलीव कर सकते हैं मसाज से, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस में मसाज के बारे में, मगर पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक पैरालिसिस के पेशेंट को मसाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब किसी को पैरालिसिस होता है तो पैरालिसिस होने के जो 90% केसेस होते हैं वो होते हैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, यानी दिमाग के अंदर किसी टाइप का खून का थक्का आना या ब्रेन के अंदर किसी टाइप की ब्रेन हैमरेज होना। जब दोनों ही रीजन से आपके दिमाग के टिश्यू को, कोशिकाओं को नुकसान पहुँचता है तो दिमाग जो काम करता था आपका, आपकी हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल करना, वो नहीं हो पाता। और जब आपकी मसल्स पे कंट्रोल चला जाता है तो आपके हाथ पैर नहीं चल पाते और यही सबसे ज़्यादा परेशानी फील करता है एक पैरालिसिस का पेशेंट। मगर सिर्फ हाथ पैर चलना बंद नहीं होते बल्कि मसल्स के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसमें मूवमेंट नहीं रह जाती और मूवमेंट ना होने की वजह से जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें वेस्टिंग देखी जाती है। वेस्टिंग का मतलब कमज़ोर होती हुई देखी जाती हैं, उनमें अकड़न देखी जाती है कि वो ऐंठना शुरू कर देती है, पेशेंट को पेन भी रह सकता है, पेशेंट को हाथ लगाते हैं और उसको लगता है कि बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। ये एक न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, मगर इसको आराम देना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर काम दो जगह करते हैं। सबसे पहला काम किया जाता है आपके ब्रेन में जहाँ पर नुकसान हुआ था, वो काम मेडिसिन बहुत अच्छा कर लेती हैं। साइंस इंजीनियरिंग का जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ ब्रेन पर रहता है, मगर जब हम किसी का भी साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को हम एक ऑयल ज़रूर देते हैं, वो है न्यूरो एम ऑयल। ये न्यूरो एम ऑयल कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है इसको जानना भी ज़रूरी है, और किस तरह से इस न्यूरो एम की मसाज की जाती है ये जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे मसाज की जाती है एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। तो हमेशा याद रखो कि जो आपका मसाज करनी है वो हमेशा आपके दिल की तरफ होनी चाहिए, यानी अगर आप हाथ की मसाज करते हो तो उंगलियों से स्टार्ट होगी और आपकी ऊपर की तरफ आएगी। मगर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जो फिंगर्स होती हैं वो टाइट हो चुकी होती हैं, हाथ टाइट हो चुका होता है, तो अगर आप इसको बस ऊपर से ऐसे ऐसे मसाज करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता। जब भी किसी पैरालिसिस पेशेंट की आप मसाज करो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि पहले तो उसका पूरा हाथ, पूरा जॉइंट खुला हुआ होना चाहिए, फिंगर्स पूरी खुली होनी चाहिए, फिंगर्स के इस तरफ भी मालिश होनी चाहिए और इस तरफ भी मालिश होनी चाहिए सीधा करके। अगर पेशेंट की फिंगर्स बंद हैं, खुलने ही, तो आपको फोर्स लगा कर उसे खोलना होता है। उसके बाद पेशेंट की जो एल्बो है वो भी टाइट मिलती है, पेशेंट का हाथ ऊपर की तरफ इस तरह से टाइट रहता है, तो आपने उसका पूरा हाथ खोलना है, उसके आगे की तरफ भी मालिश करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ भी मालिश करनी है। इसी तरह से आप उसी कंधे की मालिश करोगे, कंधे को पूरा का पूरा घुमाओगे भी सही। मालिश करने का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ तेल लगाना है, मालिश करने का एक और मतलब होता है कि पेशेंट की हाथ की, पैर की पूरी रेंज लेकर आना। अभी रेंज क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रेंज का मतलब ये होता है कि जो जॉइंट पे आप दम लगा रहे हैं उसकी फुल मूवमेंट, जैसे फिंगर है, फिंगर आपकी यहाँ तक खुलती है, जो है बस इतना ही खुल सकता है, इससे पीछे नहीं जा सकता, ये इसकी रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज है। कलाई की रेंज क्या है, ये गोल भी घूम सकती है और आगे पीछे भी जा सकती है, ये इसकी रेंज है। अभी कोहनी है, कोहनी सिर्फ इतना ही खुल सकती है, इससे नीचे तो जा नहीं सकती, तो ये कोहनी की रेंज है। कंधे की रेंज है ये फुल 360, तो ये जो रेंज है इसमें पूरा का पूरा उसकी एक्सरसाइज करवाओ और साथ में मालिश भी करते रहो। और कोशिश करो कि जब ये मालिश करो तो बहुत हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट की मसाज करते हो और बहुत दबा के करते हो तो उसकी मसल्स को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी मसल्स में अभी पावर नहीं है, ताकत नहीं है, उसमें ऐंठन आ सकती है, उसमें स्टिफनेस आ सकती है। इसी वजह से डॉक्टर्स मना करते हैं मालिश करने से, क्योंकि जाने अनजाने में पेशेंट को जब दबा के मालिश कर दी जाती है, पहलवानों वाली मालिश कर दी जाती है, तो पेशेंट को फ़ायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप मसाज करो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि अपने हाथ आपने हल्के हल्के चलाने हैं, क्योंकि नीरो एम ऑयल के अंदर हम ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो पेशेंट को ठंडा गर्म इफेक्ट देता है, ठंडे गर्म इफेक्ट की वजह से मसल रिलैक्स हो जाती है। अगर आपके पास नीरो एम ऑयल ना हो तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं,
आप गर्मियों के अंदर नारियल तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर नारियल के तेल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो तासीर में ठंडा होता है। इसी तरह से हम जब पैर की मालिश करेंगे वो भी नीचे से ऊपर की तरफ, टूवर्ड्स योर हर्ट, अपने दिल की तरफ खून के दौरे को लेकर आएंगे, क्योंकि स्किन के नीचे होती है आपकी वेंस और वेंस अक्सर आपकी खून लेकर आ रही हैं दिल की तरफ। तो अगर आप नीचे से ऊपर के लेके तरफ जाएंगे तो वो इजी रहता है, वेंस को कोई नुकसान नहीं होता। और ध्यान क्या रखना है, आपने किसी भी टाइप का जोर से मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी। इसके बाद हम चलते हैं कि कैसे पैर की आप स्टिफनेस, मसल की स्टिफनेस कैसे आप रिमूव कर सकते हो। पेशेंट को जब आप ऑयल यूज़ करते हो, पेशेंट जब पैरालिसिस का होता है तो उसे कई टाइप की दिक्कत हो रही होती है, तो कुछ कुछ दिक्कत के अंदर ऑयल बहुत अच्छा वर्क करता है, मसल्स को ठीक रखने का काम करता है, मसल्स में वेस्टिंग कम होने देता है, मसल की स्टिफनेस को दूर करता है, मसल्स में जो पेन होता है वो कम करता है, और जो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करने से जो थकावट होती है वो भी रिलीफ आपका मसाज कर देता है। ये जो मसाज होती है दिन में एक बार सफिशिएंट होती है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो मसाज आप कर रहे हैं इसको आप समझो ये किस पर्पस से है। इससे पेशेंट के हाथ में कार्य करने की क्षमता नहीं आती, पेशेंट की मसल रिलैक्स ज़रूर हो जाती है, उनमें जो दिक्कत आ रही है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है, मगर जब तक पेशेंट की माइंड का आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे कोई भी मसाज, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फिजियोथेरेपी काम नहीं करती। अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, जब आपको पैरालिसिस हुआ था, जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, पेशेंट बिल्कुल बेड पर होता है, चल नहीं पा रहा होता, बोल नहीं पा रहा होता, मगर 6 महीने के अंदर पेशेंट चलना भी शुरू कर देता है, बोलना भी शुरू कर देता है, हाथ में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। ये इंप्रूवमेंट इसलिए आ रही होती है क्योंकि इस 6 महीने के अंदर उसका ब्रेन जो है अपने अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रहा होता है, जितनी उससे भरपाई हो पाती है वहाँ पर जाके वो जो प्रोग्रेस हो जाती है वो रुक जाती है। आप चाहे फिजियोथेरेपी पूरे टाइम करवाते रहें, चाहे आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करवाते रहें, मगर वो जो इम्प्रूवमेंट थी वो 6 महीने के बाद आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ब्रेन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही। आप मसल्स को जितना मर्जी मूव कर लो, इन मसल्स को मूव करने से आपके ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं आते, मगर आप ब्रेन में चेंजेस लेकर आते हो तो जो आपकी मसल की स्टिफनेस होती है, जो मूवमेंट होती है, जो ब्रेन का कंट्रोल है वो आना शुरू हो जाता है। अब एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये होता कैसे है। जब आपके ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ था, क्लॉट आया था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया। अब जो डैमेज हो गया तो जो उसका काम था, अब वो उसके बाकी जो साथी हैं, जो बाकी कोशिकाएं हैं उसके आसपास नेबर की, वो हेल्प करना शुरू करती हैं, वो कहती चलो हम ये काम लेना शुरू कर देते हैं, मगर वो काम उन्होंने कभी पहले नहीं किया होता। अगर आपकी उम्र 30 साल की है, 30 साल में जाकर आपको पैरालिसिस होता है, तो 30 साल में 30 साल से पहले कभी भी ब्रेन के उस हिस्से ने जो अब काम करेगा वो काम नहीं किया, तो उसको सिखाना पड़ता है बिल्कुल वैसे जैसे आप बचपन में सीखे थे, और इस बचपन की सीख को अब करने के लिए आपको करनी पड़ती है ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत। इस मेहनत में आपको क्या करना पड़ता है कि अगर पेशेंट को आप चलाना चाहते हो, दोबारा से अपने टांगों पर खड़ा करना चाहते हो, तो आपको उसके ब्रेन को पहले करना पड़ता है रेडी कि अब हाँ मैं अब सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिखाओ। जब वो सीखने के लिए रेडी हो जाए, साइंस इंजीनियर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, ब्रेन रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है रिपीटेशन, एक ही एक्सरसाइज बार 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 करने से पेशेंट में तेज़ी से इंप्रूवमेंट देखी जाती है। और वो एक्सरसाइज कौन सी होती है पैरों के लिए, चलना। अगर एक पेशेंट को आप चलाते हो, उसको खड़ा करते हो, उसे चलाते हो, सिर्फ चलाते हो, कुछ मत करो, कोई अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको फिजियोथेरेपी करने की जरूरत नहीं है, किसी टाइप की और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर एक एक्सरसाइज चलना आप बार बार करवाते हो, जो ब्रेन होता है वो एक ही एक्सरसाइज को बार बार करने से क्या करता है, उसमें हो रही कमियों को इवेल्युएट करना शुरू कर देता है। आपने अपने पैर से क्या करना है एट द एंड, ठीक करके चलना ही है ना, तो आप उसको चलोगे तो ब्रेन क्या करेगा, आपका वो देखता है कि पैर घूम रहा है नहीं घूम रहा, पैर सीधा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, पैर को कितना आराम से आप उठा पा रहे हो, उसमें स्टिफनेस तो नहीं है, कि ब्रेन अपने आप इसको इवेल्युएट करना शुरू करता है। मगर ये इवेल्युएट तब कर पाता है जब आपकी टांग फेल होती है, जब उसको उसमें कमियाँ महसूस होती, और वो कमियाँ कब महसूस होगी, जब आप चलेंगे। अगर एक पेशेंट 5 मिनट चलता है, 5 मिनट 10 मिनट अपनी साइकिलिंग करता है, उसके बाद वो अपने एक्सरसाइज को बदल लेता है, उस पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत धीरे देखी जाती है। अब ये इसलिए देखी जा रही होती है क्योंकि ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ पे काम करूँ, साइकिलिंग में अलग मांसपेशियाँ चाहिए, चलने के लिए अलग मांसपेशियाँ चाहिए, उनकी अलग मूवमेंट चाहिए, मसल्स के बीच में अलग एक ले चाहिए,
तो ये सब चीज़ों के लिए वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो साइंस इंजीनियरिंग में हम इतने पेशेंट देखते हैं, और पेशेंट जो ठीक होते हैं और पेशेंट जो ठीक कम होते हैं, दोनों के बीच में हमें फ़र्क पता होता है। इस फर्क के बिहाफ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप दोबारा से पेशेंट को चलाना चाहते हो, दौड़ाना चाहते हो, तो पेशेंट को वही काम बार बार करवाओ, जिससे ब्रेन को उसमें हो रही कमियों को, उसकी गलतियों को सुधारने का मौका मिले। अगर 15-15 मिनट अलग-अलग एक्सरसाइज करवाओगे, उसका फ़ायदा एक पेशेंट को नहीं मिलता। तो ये तो बात होगी पैर की। अब चलते हैं हाथ में। हाथ क्या होता है कि पैर से थोड़ा स्लो सीखता है, धीरे सीखता है, क्योंकि आपके पास हाथ होते हैं दो, टांगों की तरह होते हैं, मगर पैर आपको दोनों चाहिए चलने के लिए। हाथ, आप एक हाथ से सारे काम कर लेते हो, तो अगर आप अपने सारे काम एक हाथ से कर लोगे, जो पैरालिसिस वाला हाथ है उसको आप भूल जाते हो। भूलने की वजह से क्या होता है कि आपने जब इसे यूज़ ही नहीं किया, आपके ब्रेन को ये समझ में नहीं आता कि इस हाथ का ज़रूरत क्या है इसे ठीक करने की, तो उसे ठीक भी नहीं करता। तो इसको ज़रूरत को महसूस करवाना है आपने ब्रेन को, कि इस हाथ को ठीक नहीं करोगे तो आपको परेशानी होगी, आप बॉडी में खाना नहीं जाएगा और आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ब्रेन कोशिश करेगा इसे ठीक करने की। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपना सही वाला हाथ को बांध देना होता है, उसे यूज़ नहीं करना होता। अब जो थोड़ी बहुत मूवमेंट है आपके हाथ की, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने काम करने होते हैं। सामान आपसे गिरेगा, खाना आपसे खाया नहीं जाएगा, कपड़े आपसे नहीं पहने जाएंगे, कंघी करने में आपको परेशानी होगी, नहाने में परेशानी होगी, मगर यही परेशानी आपके ब्रेन को पुश करती है कि जाओ इसको ठीक करो। तो एक महीने की परेशानी पेशेंट को ज़िंदगी भर फायदा देती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है पेशेंट के हाथ में तेज़ी से इम्प्रूवमेंट लाने का। जब आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो सकता है कि आपका हाथ बिल्कुल भी मूव ना करता हो, बिल्कुल भी नहीं उठता हो, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो, मगर जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, फिंगर्स में मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, हाथ सीधा हो जाता है, आप उठाने तो लग जाते हो, मगर फिर भी इसमें इतनी ताकत, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आपके किसी काम आ सके। उस काम को ठीक से करने के लिए, मसल्स को दोबारा से सॉलिड करने के लिए, और उस पर ब्रेन की कमांड लाने के लिए आपको करनी पड़ती है एक्सरसाइज। और उसमें एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज काम करती है, वो है CIMT, कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। आपने अपना सही हाथ बंद करना है और सारे काम अपने पैरालिसिस वाले हाथ से ही करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। CIMT का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपना हाथ बांधा है, CIMD का मतलब ये होता है कि आपने अपने ब्रेन को उसकी दिक्कत, अपने हाथ की ज़रूरत, उसकी काबिलियत समझानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने सही हाथ को लेना है और अपने पैरालिसिस वाले हाथ को मदद करते हुए सारे काम करने हैं। तो मतलब तो जो भी काम करोगे आप दोनों हाथ से करोगे। जब आप दोनों हाथ से काम कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी को परेशानी हो रही होती है, क्योंकि काम जो आप पहले बहुत आराम से कर लेते थे अब वो नहीं हो पा रहा होता, आपको हर काम करने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो ब्रेन उसे समझ जाता है कि अगर मुझे आसानी से स्पीड से काम करना है तो मुझे अपने इस वाले हाथ को ठीक करना पड़ेगा, तो आपकी इस वाले हाथ में मूवमेंट आनी तेज़ी से शुरू हो जाती है। तो ये छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो पैरालिसिस पेशेंट के अंदर चेंजेस तेज़ी से लेकर आते हैं। अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट ठीक होना चाहता है, दोबारा से चलना चाहता है, तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो समझे कि उसका ब्रेन कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन कैसे काम करती हैं। बेसिकली पैरालिसिस को हुआ क्यों, क्योंकि जितने भी पेशेंट आप पैरालिसिस के देखोगे, जितने पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, उनमें सब में एक दिक्कत ज़रूर हम देखते हैं कि पेशेंट को अपने हाथ के अंदर मूवमेंट चाहिए होती है, ब्रेन के अंदर मूवमेंट नहीं चाहिए होती। वो कहते हैं मेरे हाथ पैर में ही दिक्कत है, मगर वो कभी शायद आपको कहता सुना मिला होगा कि मेरे ब्रेन में क्लोटा है, ब्रेन मेरा काम नहीं कर रहा, ब्रेन मेरे हाथ को कमांड नहीं कर रहा। ये थोड़ी सी अप्रोच का फ़र्क है। मगर जब आप पेशेंट हमें ये बोलता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, डॉक्टर क्या सोचता है, डॉक्टर ये सोचता है इसका ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर पेशेंट डॉक्टर की तरह सोचना शुरू कर दे और डॉक्टर की वो जो थिंकिंग है उसको पकड़ ले, तो पेशेंट का जो इलाज होता है बहुत फास्ट तरीके से हो जाता है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर आपको जो बोलेगा, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स आपको जो बोलेंगे, जो मैं बोलूँगा आपको, आप उसे फॉलो कर पाओगे। इसलिए ये वीडियोस इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि हर एक पेशेंट अपनी दिक्कत को समझ सके कि उसे दिक्कत क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। क्योंकि एक बार पेशेंट ये समझ जाता है कि मेरे को ये दिक्कत है और डॉक्टर भी उसको इसी तरह से देख रहा होता है कि इसको ये दिक्कत है, तो वो पेशेंट में रिकवरी
फास्ट हो जाती है, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक तरह से आप कह सकते हो कि एक लेवल पर आ जाते हैं, माइंड उनका एक लेवल पर आ जाता है। डॉक्टर की हर कही बात पेशेंट को समझ में आनी शुरू हो जाती है, क्यों CIMT कह रहे हैं, क्यों मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं बता रहे, क्यों मुझे बार बार मार्केट भेजा जा रहा है, क्यों छोटे छोटे काम के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। वो उसको समझ में आना तब शुरू होता है जब पेशेंट को डॉक्टर की मंशा पता लगती है इन छोटी छोटी एक्सरसाइज के पीछे, मसाज के पीछे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी पेशेंट पैरालिसिस के हैं इस वीडियो से समझ गए होंगे कि किस तरह से उन्होंने मालिश करनी है और पैरालिसिस में बेसिकली उनके साथ क्या हुआ कि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, क्यों मालिश की ज़रूरत होती है आपकी मांसपेशियों को सॉफ्ट रखने में, ठीक रखने में। क्योंकि जब आपकी ब्रेन से दोबारा से कमांड आनी शुरू हो तो आपकी मसल्स ठीक हों, ख़राब ना हों। तो इसलिए एक मसाज, जिसे हम मालिश भी कहते हैं, एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए वरदान होती है, उसे करना चाहिए। मगर अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि मालिश करने से उसका ब्रेन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मगर ब्रेन को ठीक करने से हाथ पैर की मूवमेंट ज़रूर आ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप मसाज की, मालिश की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे कि एक पैरालिसिस पेशेंट को किस टाइप की मसाज और किस तरह से करनी चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। आप हमारी साइट sciencesanjeevani.com पर जाकर हमारे और पेशेंट्स के इंटरव्यूज भी दे सकते हो। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।